आज हम अपने स्ट्रैपिंग मशीन में स्ट्रिप का जो रोल होता है वो लगाना सीखेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें मशीन के अंदर से ये डोर ओपन करके स्ट्रिप का रोल डिस्पेंसर जो है स्ट्रिप डिस्पेंसर उसको बाहर निकाल लेना है। वो दो पार्ट में होगा क्लोज, उसको ओपन करना है आपको। कैसे? यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा होगा, उसको गाइड के साथ आप बाहर की तरफ मूव करके बाहर कर सकते हैं। ये गाइड में लॉक होता है, ये इसके लॉक होते हैं। उसके बाद आप स्प्रिंग को बाहर कर लीजिए। जैसे ही आप स्प्रिंग बाहर करेंगे वही लॉक की मदद से आपका डिस्पेंसर का एक पार्ट बाहर आ जाएगा। आप वीडियो में देखिए जैसे जैसे मूव करके वो बाहर ला रहा है ऐसा कर सकते हैं आप। उसके बाद अपनी स्ट्रिप के रोल को उसके बीच में सेट कर लीजिए, प्रॉपर फिट कर लीजिए। उसके बाहर से आप दूसरा पार्ट रखिए डिस्पेंसर का दूसरा पार्ट और नीचे कर दीजिए। उसके बाद आपको टाइट करना है, स्प्रिंग लगा दीजिए। ये स्प्रिंग टाइट के लिए दी हुई होती है ताकि उसमें टेंशन बना रहे और वो रोल के साथ पकड़ में रहे। ये लगा चुके हैं हम, उसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे। ये बराबर अभी टाइट नहीं है, लूज़ दिख रहा है, तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करिए और इसको घुमा करके टाइट कर सकते हैं। लग चुका है, अब इसको आप अंदर रख दीजिए। अंदर रखते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रिप आपको उस तरफ से निकालनी है, तो एक स्ट्रिप का छोर बना लीजिए। और अंदर रखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ये ब्रेक में होना चाहिए, इसका एक सिरा जो है वो ब्रेक में होना चाहिए। आप हाथ के पास देख सकते हैं ये ब्रेक में रखा हुआ होना चाहिए, एक सिरा जो है वो ब्रेक में दबा होना चाहिए और एक सिरा आपके स्ट्रिप डिस्पेंसर में लगा हो। ये अभी ये ब्रेक में पूरी तरह से लग चुका है और स्ट्रिप निकल चुकी है। अब हम उसके दूसरी तरफ चलते हैं, मशीन के दूसरी तरफ चलते हैं और यहाँ से भी डोर ओपन करते हैं और स्ट्रिप को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। अब नीचे देखिए एक नीचे भी स्टैंड लगा हुआ है लॉकिंग का, ये जिसे मैं हाथ से नीचे कर रहा हूँ, एक आपको उसमें स्ट्रिप फंसानी है, ये नीचे से आएगी, और दूसरा इस स्ट्रिप डिस्पेंसर के लॉक में फंसानी है। और इस तरह से आपकी स्ट्रिप बाहर आ चुकी है। अब उसको मशीन में एंटर करने के लिए ये पूरा डोर आपका क्लोज हो जाएगा और मशीन में एंटर करने के लिए ये आप इसको आप मशीन में एंटर कर सकते हैं। अंदर देखिए बाहर आ चुका है। अब जैसे आप फीड बटन दबाते हैं तो उसको बाहर की तरफ निकाल देगा। फंस रही है, इसको प्रॉपर कर लीजिए, दोबारा कट कर लीजिए। अगर ये अंदर नहीं जा पा रही है तो इसको आप दोबारा कट कर लीजिए फ्रेश करके, और फिर से उसको धीरे धीरे आप अंदर की तरफ धकेलते जाइए। जैसे ही आप धकेलेंगे ये बाहर आ चुकी है। अब अगर आपको बड़ी स्ट्रिप निकालनी है तो आप फीडिंग स्विच का प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपकी बाहर आ जाएगी। ये जो इसके बॉक्स का कैप है उसके बाहर कर लीजिए। अब आपका स्ट्रिप पूरी तरह से सही लग चुका है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आप इसमें बॉक्स रखिए और पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं।